झूठ बोल रहा है ये विजय। मैं झूठ बोलूं तो पूरे गांव से पूछ लो, नटवर से पूछ लो। नटवर तुम बताओ क्या हुआ था। किशन काका विजय सच बोल रहा है, मैं वही था जब अरविंद के घर से कोमल भागती हुई बाहर आई। मैं कह रहा हूं ना, ये सब लोग मिले हुए हैं, मेरी तरक्की से जलते हैं, मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ। अच्छा ठीक है, अगर हम इसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं किशन काका, तो इसकी लुगाई से पूछ लो, वो अभी तो घर पे ही थी। और अगर कोई गड़बड़ न थी तो उसने मन ने देखते दरवाजा क्यों बंद कर दियो। क्यों हुआ अंकिता भाभी? अंकिता भाभी ने मन ने देखते ही इसलिए दरवाजा बंद कर लियो थो क्योंकि उन्हें पता तो कि घर के अंदर क्या कांड हुआ। अंकिता बोलो क्या हुआ था तुम्हारे पति पर, ये जो विजय और उसका परिवार इल्जाम लगा रहा है क्या वो सच है? अंकिता ये लोग सच बोल रहे हैं क्या? पंचायत जो गांव के मामलों को सुनती है और फैसला करती है, उस दिन पंचायत ने उसी गांव के अरविंद रामपुरिया के खिलाफ लगाए इल्जाम को सुना। ये इल्जाम विजय केसरवानी और उसकी पत्नी करुणा ने लगाए थे। मामला था विजय और करुणा की 8 साल की बेटी का, लेकिन अपराध क्या हुआ था? बर्तन वाली, पुराने कपड़े देके नए बर्तन ले लो। बर्तन वाली, पुराने कपड़े देके नए बर्तन ले लो। ए कोमल इधर। हाय अम्मा। कहाँ गंदे पानी में खेल रही है, चल। बर्तन वाली, पुराने कपड़े देके नए बर्तन ले लो। निकाल लिया। थोड़ा कम लगाओ ना सेठ जी। अरे मुझे जितने में आता है उतने में ही तुझे देता हूँ। ये दाम पे तो कुछ नहीं बचेगा सेठ जी, एक बर्तन पे ज्यादा से ज्यादा 5-7 रुपए बस। अरे तुझे जो बेचता हूँ ना उसमें मुझे 10 मिलता है, तो क्या 50 बनाना चाहता है? गाड़ी महंगाई है सेठ जी, घर संभालना मुश्किल हो जावे। ठीक है 50 पैसे कम लगा दूंगा बस, खुश। आज सुबह से बस इतने ही कपड़े मिले हैं। और नए बर्तन लाया हूँ, उम्मीद है दोपहर की फेरी में कुछ अच्छे कपड़े मिलेंगे। अम्मा मैं फ्राक रख लूँ जो उस घर से मिली थी? नहीं बेटा तू फिर कभी ले लेना, आज कपड़े कम मिले हैं ना, हमको यही बेच के काम चलाना पड़ेगा। तुम लोग रोटी खा के निकलो, मैं कपड़े लेके जाता हूँ। अरविंद भाई। हाँ भाई विजय, देखिए आज क्या लाया है। बहुत अच्छे कपड़े लाए अरविंद भाई। अच्छे है ना? सब पुराने फैशन के हैं, इनका ज्यादा कहाँ मिलता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मिले। सिर्फ 60 रुपए तो बहुत कम है अरविंद भाई। मुझे भी 80 से ज्यादा कहाँ मिलेगा इनका, और फिर शहर आने जाने का भाड़ा और भी बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। मैं तो 5 रुपए ज्यादा ही दे रहा हूँ। दोपहर भर पूरे 3 मोहल्ले घूमी तब कहीं जाके 4 कपड़े मिले हैं। अच्छी लगी थारे को? हाँ पापू। ए कोमल रख दे उसे, कल कुछ अच्छा मिलेगा तो रख लेना।
अरे तो बहुत अच्छी है। अरे उस औरत ने बर्तनों के लिए इतना माथा फोड़ी की, तब कहीं जाके ये साड़ी दे मुझे। इसके तो पक्के 60 रुपए मिल जाएंगे। तुम्हारे अरविंद भाई इतना पैसा देंगे क्या? कम देंगे ना, मैं उनको बेचूंगा ही नहीं। अगर अरविंद काका 60 रुपए से कम देना तो उन्हें देना मत, वापस ले आना। ठीक है बापू। और उसके बाद सीधे अम्मा के पास चले जाना। मैं वो चौथी गली में रहूंगी। ठीक है अम्मा। कन्हैया स्कूल खत्म होते ही सीधे घर आना, इधर उधर भटकते मत फिरना। हाँ माँ। अरविंद काका, बापू ने साड़ी भेजी है बेचने के लिए, कितना दाम दोगे इसका? कितना चाहिए? बापू ने तो बोला है कम से कम 60 रुपये। बस 60 रुपये? मैं 60 रुपये के साथ साथ एक पतीला भी दूंगा। आ जा अंदर। आ जा बेटा, चल चल रसोई में चल। आ जा बेटा। क्या कर रहे हो काका? दुख रहा है काका, काका क्या कर रहे हो काका? दुख रहा है काका, काका बहुत दुख रहा है, मत करो ना काका। दरवाजा खोलो। काकी मुझे बचाओ। काकी खोलो दरवाजा। कौन है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। कौन है? दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। क्या कर रहे हो आप? कौन है आपके? छोरी, छोरी के साथ क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं, कुछ नहीं कर रहा था। अरे संभल के छोरी। अरविंद काका ने मुझे मारा। अरे कोमल बेटा सुन तो, हुआ क्या? क्या हुआ अंकिता भाभी? अंकिता, क्या ये सच है कि तुम्हारे पति अरविंद ने इस बच्ची कोमल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? ये सब झूठ है, मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं ये। अरे ये सिर्फ 8 साल की छोरी है, ये तो ठीक से बोल भी नहीं पा रही कि इसके साथ क्या हुआ। पर आप हम सब बड़े हैं, समझ सके हैं कि इस आदमी ने उसके साथ क्या करने की कोशिश की। क्या हुआ कोमल, तू रो क्यों रही है? अरविंद चाचा ने मुझे बहुत मारा। क्यों? मुझे नहीं पता। तूने कुछ किया क्या? मैंने कुछ नहीं करा, मैं सिर्फ साड़ी बेचने गई। उन्होंने बोला 60 रुपए के साथ एक पतीला दूंगा। रसोई में ले जाके दरवाजा बंद करके उन्होंने बहुत मारा मुझे। मन ने देखो तो अंकिता भाभी तो घर ही पे थी। कोमल को लगा कि वो उसे मार रहा था, उसे क्या पता कि वो आदमी उसके साथ कुछ और ही करने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे ये भी बताया कि उसे किस किस जगह पे मार रहा था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम सब लोग? मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोल अरविंद। अरे बच्ची है वो,
उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? उसने कुछ भी कहा और तू मान गया? झूठ वो बोल रही है, मैं नहीं। अरे मन ने अपनी आंखों से देखो, छोरी घबराई हुई बाहर भागती गई और अंकिता भाभी ना मन ने देखते दरवाजे बंद कर दियो। तो अंकिता भाभी आप ही बता दो आखिर हुआ क्या? तो ये क्या बोलेगी? यही बोलेगी ना कि कुछ नहीं हुआ। हेलो, परेशान मत करो मुझे, निकलो यहां से। चल चल बेटा। विजय, हमें ये मामला पंचायत में ले जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसकी लुगाई है ना वो भी अच्छी तरह से जानती है कि उसने कोमल के साथ कुछ गलत काम करने की कोशिश की है। और आज कोमल है, कल गांव की किसी और छोरी के साथ करने की कोशिश कर सकता है। मैंने कोमल के साथ कुछ नहीं किया, मैं तो इसे साड़ी के पैसे के साथ साथ एक बर्तन भी दे रहा था। ये सब झूठी कहानी बना रहे हैं। अंकिता, हम तुम्हारी बात सुनने का इंतजार कर रहे हैं। मेरे पति झूठ बोल रहे हैं। ये छोरी के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे। मैं बाहर कपड़े सुखा रही थी तभी मुझे कोमल के चीखने और रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं अंदर गई तो देखा इन्होंने रसोई का दरवाज़ा अंदर से बंद करके रखा है। अगर मैं समय रहते नहीं पहुंचती तो ये छोरी के साथ। क्या हुआ अम्मा? चुप, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ अम्मा? बाबू तुम्हें क्या नहीं बोलने के लिए कह रहे थे? अरविंद रामपुरिया, कितनी शर्म की बात है ये। तुम खुद एक 11 साल के बच्चे के बाप हो, फिर भी तुमने एक 8 साल की बच्ची की मासूमियत का फायदा उठाया। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है जिसे साधारण गलती मान के माफ कर दिया जाए। आप इसे जो सजा देना चाहो दो, पर हमारी इस छोरी के बारे में भी सोचो कुछ। पूरा गांव जानता है इसके साथ क्या हुआ और ये बात फैलेगी, रुकने वाली कौन है? कल को कौन इसके साथ ब्याह करेगा? अरविंद और अंकिता, ये बात तो बिल्कुल सच्ची है कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद इस बच्ची के ब्याह में दिक्कत तो आनी ही है। पंचायत को यह लगता है कि सारी गलती अरविंद की है, इसलिए इसे सही भी अरविंद का परिवार ही करेगा। इसलिए पंचों ने तय किया है कि अरविंद का बेटा कन्हैया कोमल से ब्याह करेगा जब कोमल 18 साल की हो जाएगी। ये तो गलत है, गलती मैंने की है तो उसकी सजा मेरा बेटा क्यों भुगतेगा? अरविंद, तुम हर महीने कोमल के गुजारे के लिए पैसे दोगे और जब ये 18 साल की हो जाएगी तो अपने बेटे से इसकी शादी करवाओगे। विजय, तुम्हें पंचों का फैसला मंजूर है? जी मंजूर है, जो पंचों की राय। लेकिन मुझे मंजूर नहीं, गलती मैंने की है, मेरे बेटे ने नहीं। अगर ब्याह की ही बात है तो जब ये 18 साल की होगी तो इससे ब्याह मैं कर लूंगा। अभी तू पागल हो गया क्या? अरे अभी खुद तू 42 का है, 10 साल बाद 52 का हो जाएगा, भारी बेटी से 3 गुना ज्यादा उम्र का। लेकिन जो भी हो, मेरा बेटा तेरी बेटी से ब्याह नहीं करेगा, समझा? अरविंद, पंचायत का फैसला हो चुका है, तुम्हें सोचने के लिए 5 दिन देते हैं, उसके बाद बात होगी। पंचायत पूरे गांव को यह फरमान सुनाती है, जब तक अरविंद रामपुरिया पंचायत का फैसला मानने को राजी नहीं हो जाता तब तक इस गांव से उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। अंकिता, तूने हिम्मत की, सच बोला, इसलिए पंचायत तुम्हें अपना सामान लेकर अपने मायके जाने का हुक्म देती, और जब तक अरविंद रामपुरिया पंचों का फैसला मानने को राजी नहीं हो जाता तब तक तुम अपने मायके में ही रहोगी। अब इस मामले पे 5 दिन के बाद बैठक होगी। एक पत्नी ने एक औरत ने जो देखा वो सच सबके सामने रख दिया, लेकिन पंचायत ने एक बेतुका विचित्र फैसला सुना दिया जो उस मासूम बच्ची के परिवार को मंजूर भी था। जिस परिवार ने उस आदमी की घिनौनी हरकत को झेला था उन्हें लगा उनको इंसाफ मिल गया।
क्योंकि उन्हें अपनी बच्ची की अभी की मानसिक तकलीफ से ज्यादा उसके भविष्य की फिक्र थी, उसकी शादी की चिंता थी। क्या किसी के भी मन में यह नहीं आया कि उस बच्ची पर इस वक्त क्या गुजर रही है और यह फैसला उस पर कितना गहरा असर कर सकता था? जा बेटा बाहर जाके खेल। अम्मा, कृष्णा चाचा क्या कह रहे थे? क्या मुश्किल हो जाएगी मुझे? कुछ नहीं बेटा, जो हुआ उसे तू भूल जा, उसके बारे में तू मत सोच। जब तू बड़ी हो जाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा। क्या मेरी शादी कन्हैया से होगी? हाँ बेटा। पंचायत ने बहुत सही फैसला कियो है, लेकिन अब तक उस अरविंद ने से माना कोनी। अरे मान जाएगा, आज नहीं तो कल मान जाएगा। देखो भाया, उसके लुगाई और बच्चा बहुत दूर है और इस तरह से रहना कोई आसान काम नहीं है। खुशी से नहीं तो मजबूरी में मान जाएगा। मैं तो यूँ कहूँ कि जब उसने क्यों है तो उसके लिए उसी को तो भरने पड़ेगो। कब तक नानी के घर पे रहेंगे अम्मा? पता नहीं बेटा, कल से तो यहीं से स्कूल जाना। अम्मा, हमें बापू के पास जाना है। बापू ने क्या किया है? तू सो जा बेटा, तुझे समझ नहीं आएगा। अम्मा, वो काका क्या कह रहे थे कि मेरी शादी कोमल से हो जाएगी? पुराने कपड़े देके नए बर्तन ले लो। बर्तन वाली, सुनिए, ये जो कोमल के साथ हुआ ना, उसकी वजह से वो बहुत उदास हो गई है। पता है माँ, अब जो हुआ उसे बदल तो नहीं सकते ना। 5 दिन हो गए, कल फिर बैठेगी पंचायत। इस बार अरविंद मान जाए तो अच्छा है। गांव के सब लोग कह रहे थे कि वो मान जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ये जो इसके भविष्य की बात हो रही है ना, इसके ब्याह की बात हो रही है, ये सब सुन सुन के ना वो बहुत परेशान हो गई है। मुझे लगता है कल हमें उसे पंचायत में लेकर नहीं जाना चाहिए। ठीक, कल उसे घर पर रख कर ही जाएंगे। जब तक अरविंद रामपुरिया पंचायत का फैसला मानने को राजी नहीं हो जाता, तब तक इस गांव से उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। तब तक तुम अपने मायके में ही रहोगी। इसलिए पंचों ने तय किया है कि अरविंद का बेटा कन्हैया कोमल से ब्याह करेगा अरे कहां चल दिया अरविंद भैया? मुझे सारी बात पूरे गांव को बताने की जरूरत नहीं है। 5 दिन पूरे हो गए हैं, याद है ना कल पंचायत ने बुलाया आपको? मुझे सब याद है, अच्छी तरह याद है। मुझे कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है, समझा? बेटा, मैं और बापू पंचायत जा रहे हैं, तू घर में ही रहना, ठीक है? कोमल, कुंडी लगा ले।
अंकिता, अरविंद कहाँ है? पता नहीं काका, जब से पंचायत ने फैसला सुनाया मैं तो अपने मायके में ही रह रही हूँ। कल रात मैंने उसे गांव से बाहर जाते हुए देखा, लगता है वो भाग गया। पंचायत ने उसे 5 दिन सोचने का मौका दिया, अब हम 10 मिनट और इंतजार करेंगे। अगर वो अभी नहीं आता है तो जो हम फैसला सुनाएंगे वही उसे मानना पड़ेगा। मैं अरविंद काका। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। देख मैं तेरे माँ बापों को साथ लेकर आया हूं, डर मत। दरवाजा खोल बेटा। बस बहुत हो गया इंतजार। अगर 3 दिनों के अंदर अंदर अरविंद हमारे सामने नहीं आया और उसने पंचायत का फैसला नहीं माना तो हम ये मान लेंगे कि उसे हमारा फैसला मंजूर है और हम कन्हैया और कोमल की मंगनी कर देंगे। आया काहे नहीं? कोमल, कोमल बेटा दरवाजा खोल, दरवाजा खोल बेटा। कोमल दरवाजा खोल, कोमल बेटा दरवाजा खोल, कोमल। अम्मा, अम्मा। कोमल क्या हो गया? कोमल, कोमल दरवाजा खोल, दरवाजा खोल बेटा। कोमल बेटा दरवाजा खोल बेटा, हम आ गए। कोमल दरवाजा खोल बेटा, कोमल इसको दरवाजा। अरविंद एक क्या करो? कोमल, कोमल, कोमल बेटा क्या? इस आदमी ने तो हद कर दी। कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये आदमी ऐसा भी कर सकता है। पीछे जाता हूँ, उधर से भागने की कोशिश करूंगा। अरविंद, ए अरविंद, एक किवाड़ खोल। अरे खोल ना अरविंद, मैं कहता हूँ खोल ना, छिप नहीं सका। जाओ, मुझे तुम लोगों की कोई बात नहीं माननी। अरविंद दरवाजा खोल। बिरजू, अरे सूरज, अरविंद घर के अंदर है, दरवाजा नहीं खोल रहा। इसका दिमाग खराब हो गया है, इसने फिर से कोमल के साथ गंदी हरकत की है। अब लगता है मामला गाँव और गाँव के पंचायत के बाहर का हो गया है। तो अब क्या करें? मैं एनजीओ वाली मैडम के पास जाता हूँ। वो क्या करेगी? पता नहीं, कुछ मदद करेगी जरूर। ठीक है, तुम जाओ, मैं और नेटवर अरविंद को आज यहाँ से भागने नहीं देंगे। अरविंद दरवाजा खोल, अरविंद दरवाजा खोल। जी मैडम है? हाँ है, क्या बात है? साहब उनसे जरूरी बात करनी है। कब हुआ ये? अभी मैडम, हम सब पंचायत में बैठकर उसी का इंतजार कर रहे थे, तभी उसने पीछे जाकर ये कर डाला। वो अभी भी घर में छुपके बैठा है, 2 लोग उसके घर के बाहर खड़े हैं ताकि वो भाग न जाए। ठीक है, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। आप लोगों को इस मामले को पंचायत की बजाय पुलिस के पास लेके जाना चाहिए था, और ऊपर से आप पंचायत के इतने तकियानुसी फैसले को कैसे मान सकते हैं? साहब हमें नहीं लगा था कि फिर से ऐसा करेगा। अरविंद दरवाजा खोल, दरवाजा खोल अरविंद। साहब वो अभी भी अंदर ही है। अरविंद दरवाजा खोलो, अरविंद पुलिस आ गई है। अरविंद हम दरवाजा तोड़ देंगे। देखो ये गांव वाले जबरदस्ती मेरे बेटे की शादी
उस छोरी से नहीं करवा सकते। अरविंद मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, दरवाजा खोल दो। तोड़ दो दरवाजा। रुको, चलो चलो। आप लोग इस मामले को अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? इस मामले की गंभीरता का जरा सा भी अंदाजा है आपको? देखिए प्रवीण जी, आपकी लुगाई एक एनजीओ चलाती है जो पढ़ाई लिखाई के लिए बनाया गया है। आप लोगों को इस गांव के तौर तरीके और रीति रिवाजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। इस मामले को कैसे सुलझाया जाए और गाँव में शांति कैसे बनाई जाए, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। आपके तौर तरीकों से देखो क्या हुआ है बच्ची के साथ। आप लोग इनको लेकर कहाँ जा रहे हो? पहले अस्पताल और फिर पुलिस थाने। ये कानून की बात है, आपके सामाजिक रिवाजों की बातें नहीं है। आप लोगों को तो जरा भी परवाह नहीं है कि बच्ची किस तकलीफ में है। शुरुआती जांच से यही लगता है कि लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी यौन शोषण हुआ है। विजय, करुणा संभालो, संभालो। करुणा, विजय संभाल। नहीं सर, ये मामला अब और आगे नहीं बढ़ाना चाहते। मैडम जी बहुत हो गया, बस। क्या आगे नहीं बढ़ाना चाहते? देखिए उस आदमी को सजा मिलनी ही चाहिए। पंचायत के फैसले से हम खुश हैं साहब। 18 के हो जाने के बाद कोमल का ब्याह कन्हैया के साथ हो जाएगा। बाद में धीरे धीरे वो भी सब भूल जाएगी। विजय, शादी की बात से बच्ची की तकलीफें कम नहीं होने वाली। हम सबको उसका ख्याल रखने की जरूरत है और उस आदमी ने उसके साथ जो ये नीचता की है उसे उसके लिए सजा दिलवाना जरूरी है। और किसी भी पंचायत को ऐसे मामलों में फैसला सुलाने का कोई हक नहीं है। वैसे भी FIR हो चुकी है, अब आप लोग कोई शिकायत करें या ना करें मामला तो आगे बढ़ेगा ही। पर साहब, इस सब में पिसेगी तो हमारी बेटी कोमल ही ना। देखिए साहब, बात आगे बढ़ाने में बदनामी हमारी है। आज बात गाँव तक, कल को और फैलेगी साहब, हमारी मुश्किल बढ़ जाएगी साहब। अरविंद को सजा मिले ना मिले, भुगतनी तो हमें ही पड़ेगी। ऐसे में पंचायत का फैसला क्या गलत है? करुणा, विजय, हम कोमल का ख्याल रखेंगे और सिर्फ उसका ख्याल रखने की ही जरूरत है ताकि उसके साथ जो ये हादसा हुआ है उसका असर उसके दिमाग में कम से कम पड़े। और तुम लोग तो अभी से उसके भविष्य की चिंता कर रहे हो, उसको उसका बचपन तो जी लेने दो, वो अपना भविष्य खुद ब खुद बना लेगी। इस समय अगर जरूरत है तो उस आदमी को सजा दिलाने की, क्योंकि अगर उस आदमी को सजा नहीं हुई ना तो आज तुम्हारी बेटी है कल को किसी और की बेटी हो सकती है। सजा देने का काम देश की न्याय व्यवस्था का है, ना कि किसी पंचायत का। और पंचायत के ऐसे अजीब फैसले से किसी का भला नहीं होने वाला है। मैंने जो किया सो किया, लेकिन पंचायत को यह हक किसने दिया कि मेरे किए की सजा मेरे बेटे को दे? मेरा बेटा क्यों उस छोरी से ब्याह करेगा? दिमाग मेरा खराब हुआ था, गलती मेरी थी, तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। और उससे मुझे कोई परेशानी भी नहीं थी। मैंने तो कहा था कि मैं उसका ख्याल रख लूँगा, जब वो 18 की होगी तो मैं उससे ब्याह कर लूँगा।
लेकिन इन लोगों ने मेरा हुक्का पानी बंद कर दिया और तो और मेरे बीवी बच्चे को मुझसे अलग कर दिया, मेरी जिंदगी नरक बना दी। उन्हें सबक तो सिखाना था ना। बच्ची है वो, उसका क्या कसूर था? उसे सजा देके किसी को क्या सबक सिखाना चाहता था तू? तेरा बेटा उस बच्ची से थोड़ा ही बड़ा है, जब उसे पता चलेगा कि उसके बाप ने क्या किया है, क्या गुजरेगी उसके दिल पे, कुछ अंदाजा है तुझे? मैं कन्हैया के सवालों का क्या जवाब दूं अम्मा? क्या कहूं उससे कि उसके बापू ने क्या किया? मैं आगे जाके उस आदमी के साथ कैसे रहूंगी अम्मा? वो जो कुछ भी कर रहे हैं करने दीजिए उन्हें। हमने तो मामला सुलझाना चाहा था और मुजरिम को सजा भी दी थी। अब बाकी कोमल के माँ बाप जाने, उनकी बच्ची है, उसका भविष्य उनकी सरदर्दी। बिल्कुल सही कहा आप। बर्तन ले लो, पुराने कपड़े देके बर्तन ले लो। ए बाऊजी बर्तन ले लो। अरविंद रामपुरिया पर 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार करने के लिए आईपीसी की धारा 376 सब सेक्शन 2F लगाई गई है। बंधक बनाने के लिए आईपीसी की धारा 341 और नाबालिग का अपहरण करने के लिए धारा 363 लगाई गई है। अरविंद रामपुरिया अभी न्यायिक हिरासत में है और पुलिस जल्द ही चार्जशीट फाइल करने वाली है। कोमल के शारीरिक घाव तो भर चुके हैं लेकिन मानसिक तौर पर पूरी तरह से ठीक होना अभी बाकी है। हालांकि पुलिस ने समझदारी दिखाते हुए मामले को अपने हाथ में लिया लेकिन हमारे देश के कानून के मुताबिक कोमल को अभी तक ना तो कोई मुआवजा मिला है और ना ही उसके रिहैबिलिटेशन और काउंसलिंग का कोई इंतजाम किया गया है, जो कि कोमल का हक है। विजय और करुणा अभी तक अपनी बेटी कोमल के भविष्य और शादी को लेकर चिंता में हैं। वो अभी भी चाहते हैं कि कोमल और कन्हैया की शादी हो जाए क्योंकि उन्हें डर है कि जो हुआ उसे पूरा गाँव और सभी लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। ये पंचायतें, ये खाप और बाकी कुछ संस्थाएं अक्सर ऐसे बेहुदा ऊटपटांग फरमान सुनाती हैं जो इस तरह के डर की चिंगारी को और हवा देते हैं। ये सोचना भी एक बीमार मानसिकता की पहचान है कि पीड़िता की शादी उसके साथ अन्याय करने वाले के बेटे के साथ ही कर दी जाए। बहुत से जाने माने लोग, बहुत से राजनेता इस तरह के बढ़ते यौन अपराधों का कारण अक्सर वेस्टर्नाइजेशन को बताते हैं। एक धारणा है कि शहरी इलाकों में पाश्चात्य जीवन शैली का कुछ ज्यादा ही प्रभाव है और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की यही मुख्य वजह है। शहरी इलाकों में इस तरह के यौन अपराधों के मामले ज्यादा रिपोर्ट किए जाते हैं जबकि देहाती इलाकों में पुरुष प्रधान समाज और दमन के कारण अक्सर ऐसे मामले दिन की रोशनी भी नहीं देख पाते। इस एनालिसिस के बावजूद आंकड़ों के अनुसार देहाती इलाकों में सेक्सुअल क्राइम रेट शहरी इलाकों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। एक रिसर्च के मुताबिक पिछले 25 सालों में बलात्कार के जो मामले सजा तक पहुंचे हैं उनमें से 75% मामले भारत के देहाती क्षेत्रों के हैं। अब क्या ये वेस्टर्नाइजेशन के कारण है या इस तरह के शोषण और दमन की वजह से जो हमारे समाज की जड़ों में घुन की तरह लगा है? आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, बात शहर और देहात की नहीं, बात आदमी की औरत के प्रति सोच की है। जय हिंद।